हारून साहब, हर गुजरते दिन के साथ सियासी दर्जे हरारत बढ़ रहा है, इस हवाले से कोई खबर आपकी जो इस ऐसी खबर है आपका दिल खुश हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान बनेंगे जी वजीर आजम और नवाज शरीफ साहब बनेंगे जी सदर। असल मजाक नहीं मैं कर रहा, ये खबर दे जी जी खबर है। वो छलांग लगा दी असल बजिंजो ने भी, असवंत यार ने भी, महमूद अचकजई ने भी, बाकी भी सारे जमा हो गए और देख रहे हैं वो ये ख्वाब। ये जी इस मंसूबे पे बहुत पहले काम शुरू हुआ है, कन्फर्म है, खबर ऐसी नहीं है। वो इस मंसूबे बहुत पहले काम शुरू हुआ, परवेज रशीद साहब ये ले के गए मौलाना के पास, तो ये इतनी बड़ी टेम्पटेशन कौन रजिस्ट कर सकता है। इसके लिए तशबीहात तो मेरे जहन में बहुत आ रही हैं मगर मैं दूंगा नहीं। तो ये है कि जी ऐसा हंगामा उठाया जाए, इतना बड़ा तूफान बरपा किया जाए, ये एक बहुत प्लान किया हुआ मंसूबा था जो मुस्लिम लीग के लीडरों को पता नहीं था, नवाज शरीफ को पता था, उसको पता था। और ये असल बजिंजो कौन है और महमूद अचकजई कौन है, इनके बौजदाद क्या थे और मौलाना फजलुर रहमान के वाले साहब पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते थे, ये सारे जमा हो गए हैं। ऊपर से ये हमारे हजरत वजीर आजम साहब कह रहे हैं डीजल के बगैर ये बचगाना बातें हैं जी, ये करने की जरूरत नहीं। जरूरत ये बिल्कुल बचगाना बात है, एक तरफ ये कहने की ये वजीर आजम की जुबान है, ये लबो लहजा है।